नमस्कार किसान दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गेहूं की फसल में जो खरपतवार, जो अनचाहे खेतों में आ जाते हैं, उसे हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गेहूं है, इसके फसल को अभी लगभग 10 दिन हुए हैं और ये जो देख रहे हैं पेड़ के बीचों बीच ये जो खरपतवार हैं, जो अनचाहे हैं, जो पौधे को बढ़ने से रोक देते हैं और उसकी अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है इन खरपतवार वीडिसाइड्स के कारण। इन सबको ख़त्म करने के लिए हमें दोस्तों रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस दवाई को आज हम कैसे यूज़ करेंगे बताएंगे। इस खेत में देखिए फ्रेंड्स, ये अभी इस फसल को 10 दिन हुए हैं और ये खेत सूखी है। ये मतलब इसमें पानी हमने अभी नहीं डाला है। ये फसल लगभग 6 से 7 इंच की हो चुकी है। जब हम दवाई का छिड़काव करेंगे उसके बाद हमें 1 हफ्ते के बाद इसमें हमें पानी डालना है, तब उस दवाई का असर अच्छे से रहेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमें कौन सी दवाई इस पे इस्तेमाल करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्यूपॉन्ट अलग्रिप वीड कंट्रोल, ये 1 एकड़ के लिए है ये पैकेट। ये खरपतवार नाशक है, इसमें पीछे कुछ केमिकल फार्मूलाज दिए हुए हैं जो इसमें कॉम्पोजिशंस हैं, इसमें जो रासायनिक चीज़ें इस्तेमाल की गई है। और इसके पैकेट के अंदर 2 चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें से एक ये जो है ये दानेदार है, ये लगभग 8 ग्राम का है। इसे हमें घोलना है पानी में, पहले बाल्टी में, उसके बाद मिक्स करके। ये देखिए, ये सेकंड पार्ट है। ये 2 चीज़ें इस पैकेट में थी, ये लिक्विड फॉर्म में था। ये इस लिक्विड को और उस दानेदार पाउडर को दोनों को एक बाल्टी में मिक्स करके हमें बराबर मात्रा में डालना है। 1 एकड़ में अंदाज हम देखें तो 6 से 7 स्प्रेयर लगते हैं दवाई छींटने के टाइम, तो उस हिसाब से हमें अंदाज़ा लगाकर इसे घोलना है। 1 गिलास 1 बाल्टी 1 स्प्रेयर के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। 1 स्प्रेयर में हमें 1 गिलास डालना होगा फ्रेंड्स, ताकि बराबर मात्रा में हर स्प्रेयर में पहुंच सके। उसके बाद हमें इसे घोलकर अच्छे से स्प्रे कर देना है। अब इसके दवाई छींटने के 1 हफ्ते बाद हमें अपने खेतों में पानी छोड़ना है, उसके बाद ये खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। इससे गेहूं की फसल में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये उस प्रकार का वीडिसाइड कंट्रोल फार्मूला है और ये अलग अलग नामों में आते हैं, तो जब आप कृषि केंद्रों पर जाए तो उस फार्मूला का दवाई ही ले, अन्य फार्मूला का ना ले। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस और पाने के लिए। थैंक यू।